सड़क और 11 बसों की मांग और भी है हमारी, वो भी हो और हमारी ये मांगे जो है मोटर रोड की मुख्य मांग जो है वो हमारे गांव में रोड पहुंचे। मान व्रत तोड़ दिया जाए, मान व्रत तोड़ दिया, इसीलिए तोड़ा है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय आ रखे हैं, इनकी हमने बहुत प्रशंसा सुनी है कि चिंता खेत के लिए इतना है, जिन्होंने हमारे दुख दर्द को देखा और आजादी के बाद आज 70 साल के बाद कोई जिलाधिकारी महोदय हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंचा है और हमारे जिलाधिकारी महोदय हमारे दुख दर्द को देखा है और हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं और अब हमें पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी रोड जो है हमारे गांव में अवश्य पहुंचेगी, क्योंकि उनके बातों से उनसे जो हम बहुत संतुष्ट हैं। थैंक यू। मुख्य मार्ग की कुछ और मांगे भी थी इनको लेकर के, पहले भी हो चुका था मुख्य सड़क की मांग ले, आज आप यहाँ पे आए हैं और मौन व्रत टूट गया है, धरना टूट गया, जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या क्या आश्वासन और क्या किस स्थिति में? इनकी मूलतः चमियारी उलण मोटर मार्ग के अतिरिक्त 11 मांगे थी, तो उन 11 मांगों पे ऑलरेडी विभागों को निर्देशित किया जा चुका था और मुख्य मांग चमियारी उलण मोटर मार्ग को लेके थी, तो इस संबंध में हम लोग पिछले 1.5 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे कि फॉरेस्ट प्रपोजल जो है वो ढंग से चला जाए, तो एक बार वो रिजेक्ट होकर आया था आरओ ऑफिस से, तो वापस से हम लोगों ने उसे अपलोड किया है और आज की डेट में वो वापस सेंट्रल गवर्नमेंट या आरओ स्तर पर आ चुका है। तो इस स्थिति में हमारे प्रयास यही हैं कि जल्दी से जल्दी हमें फॉरेस्ट का लैंड क्लियरेंस मिल जाए या फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाए, उसके बाद में फिर हम आगे इस पे स्पीड अप करते हुए रोड बनवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए हैं और अधिशासी अभियंता महोदय ने जो है मुझे परसों जो है मतलब एक क्लियर किया है कि अगर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो हम जो है मतलब 4 माह में जो है मतलब इस जगह को जो है मतलब टेंडर में जो है लगा सकते हैं इस रोड को। तो उस आश्वासन को सुनते हुए और जिलाधिकारी महोदय की जो है कार्यशैली को देखते हुए मुझे लगता है कि मतलब अब रोड में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। धरना उठ गया है, धरना जो है राणा जी ने जो है उठा दिया है, डीएम साहब के माध्यम से उठवाया, लेकिन राणा जी के साथ हम रोज खड़े हैं, यदि ये 4 माह बाद फिर भी बैठेंगे तो हम इनके साथ बैठेंगे अगर जरूरत पड़े तो। वैसे तो प्रयास है कि डीएम साहब जो है रोड बनवाएंगे। धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे पिताजी और राणा जी और बिजवान जी ने जो चीजों में जितना टाइम लग रहा है उसको हमें समझना चाहिए।